किया लीला। यमुना पुलिन के उपवन में श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में श्री प्रिया बैठी है। रात 3 घड़ी से अधिक बीत चुकी है। यमुना के तट पर ही तट से सटा हुआ एक अत्यंत सुंदर उपवन है। उपवन हरी हरी झाड़ियों एवं फूलों से लदे हुए वृक्षों के द्वारा भरा हुआ है। यमुना जी का प्रवाह वहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर है तथा घाट से बलि प्रकार बंधा हुआ है। यमुना जी कुछ आगे पश्चिम की ओर बढ़कर फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई हैं। इसी मोड़ पर यह उपवन है। श्री यमुना जी की धारा का एक विभाग हो गया है जो पहले उपवन के पूर्व की ओर एवं फिर दक्षिण की ओर से बहता हुआ पुनः यमुना जी में जा मिलता है। इस छोटी शाखा में वर्षा के दिनों में तो जल अधिक रहता है किंतु अन्य ऋतुओं में कम। शाखा के दोनों छोर पर अर्थात जहाँ वह यमुना जी से निकलती हैं और जहाँ यमुना जी में पुनः मिलती हैं उन दोनों स्थानों पर अत्यंत सुंदर पुल है। छोटी शाखा के और भी कई स्थानों पर छोटे छोटे पुल हैं। इन्हीं पुलों पर से होकर श्री राधा रानी एवं ब्रज सुंदरियाँ अपने अपने घरों से आती हैं तथा संकेत स्थल पर अपने प्यारे श्याम सुंदर के साथ मिलती हैं। उपवन में श्री यमुना जी की छोटी शाखा के उद्गम के स्थान पर एक अत्यंत सुंदर वेदी बनी हुई है जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 100-100 गज की है। वेदी अत्यंत सुंदर ढंग से सजाई हुई है। उस पर नीली कालीन बिछी हुई है एवं पीले रंग की बहुत बड़ी चांदनी चारों ओर से खंभों के सहारे लगाई हुई है। बीच में कोई खंभा नहीं है। रेशम की डोरी से एवं पीले रेशमी वस्त्र से वेदी की वह चांदनी इस प्रकार शोभा पा रही है मानो सुंदर रेशमी वस्त्रों का मंदिर हो। उस रेशमी चांदनी में स्थान स्थान पर जरी के काम में राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्र बने हुए हैं। उन चित्रों पर मणियों का हरा हरा प्रकाश पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे चित्र नहीं सचमुच पीले रंग के आकाश में श्री प्रिया प्रीतम की लीलाएं चल रही हैं। चांदनी जिन खंभों के सहारे टंगी है उनमें विभिन्न प्रकार की अनेकानेक प्रकाश युक्त मणियां पिरोई हुई हैं जिनसे चित्र विचित्र प्रकाश निकल रहा है। उस वेदी से सटा हुआ पूर्व एवं उत्तर के किनारे पर अत्यंत सुंदर वट का वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे ही श्री प्रिया बैठी है। वट वृक्ष की जड़ के पास की भूमि उजले रंग के किन्हीं अत्यंत विचित्र मूल्यवान पत्थरों से पाट दी गई है। पत्थरों पर इतनी चमक है कि उसमें वट वृक्ष प्रतिबिंबित हो रहा है। वट वृक्ष के मूल के पास बेज के आकार का नीले मखमल का आसन है। उसी पर श्री प्रिया दक्षिण की ओर मुंह किए हुए बैठी हैं। पूर्वी गगन में चंद्रमा का उदय हो चुका है। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है अतएव चंद्रमा सूर्यास्त से 3 घड़ी बीत जाने पर उदय हुए हैं और वे वृक्षों के ऊपर उठ चुके हैं। राधा रानी से कुछ दूर हटकर उनकी बाईं ओर विशाखा खड़ी है तथा 4-5 हाथ आगे की ओर ललिता खड़ी होकर बड़ी उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से जिस पथ से श्याम सुंदर आया करते हैं उस पथ की ओर देख रही हैं। राधा रानी की विकलता बढ़ती जा रही है। वे बार बार आसन से उठकर खड़ी हो जाती हैं तथा कुछ देर खड़ी रहकर फिर बैठ जाती हैं। श्री प्रिया के शरीर पर चंपई रंग की साड़ी शोभा पा रही है। सभी सखियां भी चंपई रंग की साड़ी पहने हुए हैं। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार उठती बैठती हुई राधा रानी बहुत अधिक व्याकुल हो जाती हैं तथा ललिता को पुकार कर कहती हैं, ललिते अब कितनी रात्रि शेष है, प्रभात होने में कितनी देर है। ललिता अत्यंत प्यार भरे स्वर में कहती हैं, बहन अभी तो रात 3 घड़ी ही बीती है। Hey, you have an hour this week, right? Yeah. Great. I can teach you how to play 100 songs on piano in an hour. No way. राधा रानी कुछ निराशा एवं करुणा भरे स्वर में कहती है, ललिते तो मुझे भुलाती है, रात तो बीत गई, देख चंद्रमा अस्त होने जा रहे हैं। राधा रानी की यह बात सुनते ही ललिता वहां से आकर श्री राधा रानी के गले में अपना बायां हाथ डाल देती है और दाहिने हाथ में रुमाल लेकर श्री राधा रानी की कपोलों पर आए हुए प्रश्वेत कणों को पूछती हुई कहती हैं, बहन विश्वास कर मैं तुम्हें भुलाती नहीं हूँ।
सचमुच अभी रात केवल 3 घड़ी ही बीती है, तुम्हें वस्तुतः दिग्भ्रम हो गया है। चंद्रमा तो अभी अभी उदित हुए हैं। प्यारे श्याम सुंदर के विरह में तुम्हारे मन की दशा प्रायः ऐसी ही हो जाती है, तुम्हें दिग्भ्रम हो जाया करता है। यह पूर्व दिशा है, चंद्रमा का उदय अभी हुआ है। राधा रानी कहती है, फिर श्याम सुंदर क्यों नहीं आए? धनिष्ठा ने कहा था कि वे थोड़ी देर में चलने वाले ही हैं। ललिता, आते ही होंगे, निश्चय ही थोड़ी देर में आ जाएंगे। बहन, धीरज धर, भूख गई है, वह भी नहीं लौटी है, इससे अनुमान होता है उन्हें साथ लेकर वह सब आती ही होंगी। श्री राधा ललिता की गोद में अपना सिर रखकर उसी बेंच के पास पूर्व की ओर पैर करके लेट जाती हैं। राधा रानी की व्याकुलता से ललिता भी व्याकुल सी होने लगती हैं। इसी समय वृंदा देवी ललिता के कान में आकर धीरे से कुछ कहती हैं। उसे सुनते ही ललिता का मुख तमतमा उठता है, वे कुछ चिढ़ी सी होकर इधर उधर देखने लगती हैं। फिर कुछ क्रोध भरे स्वर में कुछ दूर पर खड़ी विमला मंजरी से कहती हैं, विमले जा, रति उस पुल के पास खड़ी है, उसे एवं धन्या जो उस शिफालिका वाले पुल पर हैं दोनों को कह देना कि ललिता ने कहा है कि श्याम सुंदर आवे तो उन्हें सर्वथा आने न दें। स्पष्ट स्पष्ट कह दें कि ललिता की आज्ञा नहीं है। ललिता की बात सुनकर राधा रानी ललिता की गोद से उठ बैठती हैं तथा उसकी थोड़ी छूकर बड़े ही करुणा भरे स्वर में कहती हैं, बहन पगली हो गई है क्या, क्या करने जा रही है? फिर तुरंत राधा रानी विमला की ओर देखकर उसी करुण स्वर में कहती हैं, ना विमल, जाना मत। ललिता रानी उसी क्रोध भरे स्वर में कहती है, ना, अब आज नहीं सोऊंगी, आज श्याम सुंदर को मैं भी दिखा दूंगी कि ललिता क्या है। राधा रानी कहती है, प्यारी ललिते ऐसा मत कर, देख मेरा हृदय तेरी बात सुनकर धक धक कर रहा है, देख कितना ऊंचा उछल रहा है, मेरे ऊपर दया कर बहन, तेरा हृदय मेरे स्नेह के कारण धैर्य छोड़ रहा है, पर सच मान तू ऐसा करेगी तो मुझे बहुत दुख होगा। ललिता का क्रोध ठंडा हो जाता है पर फिर भी कुछ उग्र स्वर में कहती है, मैं क्या करूं, तू ही तो सब खेल बिगाड़ देती है, अन्यथा यह क्या संभव है कि श्याम सुंदर इस तरह करने का कभी साहस करें? श्री राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं, वे उन्हें रोकती हुई कहती हैं, बहन मैं तेरे स्नेह की ओर देखती हुई कहने की इच्छा होने पर भी कहते कहते रुक जाया करती थी, पर आज अपने हृदय की एक बात बतलाती हूँ, मेरी बात सुनेगी क्या? ललिता की आंखों से छल छल करते हुए आंसू बहने लगते हैं, वे राधा रानी के गले से लिपट कर रोने लगती हैं, फिर कुछ संभाल कर कहती हैं, बहन सुनूंगी क्यों नहीं, पर मुझसे यह सहा नहीं जाता, इधर तेरी ऐसी दशा है और वे सैबिया के कुंज के चक्कर लगा रहे हैं। राधा रानी अत्यंत प्यार से कहती हैं, तो इसमें भी कौन सा अपराध कर रहे हैं? बहन सचमुच आज तुम्हें अपने हृदय को खोलकर एक बात बता रही हूँ, मेरी प्यारी ललिते श्याम सुंदर मेरे प्रेतम श्याम सुंदर मेरे दास नहीं हैं, अभी तो मैं उनकी दास हूँ। यह कहते कहते राधा रानी का गला प्रेम से रुंधने लगता है, आंखें भर आती हैं तथा समस्त अंगों में प्रस्वेद कर झलकने लगते हैं। कुछ समय चुप रहकर फिर राधा रानी कहती हैं, रस के समुद्र सुख के सागर मेरे जीवन सर्वस्व, तुम्हारी दासी राधा पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, यह जीवन यौवन सब तुम्हारा ही है, मेरे प्राणनाथ इसे हृदय से लगाकर अपने अंतस्तर में छिपाए रखो अथवा इस दासी को चरणों से ठुकरा दो, दोनों अवस्थाओं में ही यह दासी तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। ललिता की आंखों से पुनः झरझर आंसू बहने लगते हैं। रानी अपने अंचल से ललिता के आंसुओं को पोंछने लगती हैं। अब तक विशाखा दूर पर खड़ी हुई निर्निवेश नैनों से ललिता एवं राधा रानी की ओर देख रही थी, अब पास आकर बैठ गई। विशाखा के बैठने पर रानी अपना बायां हाथ विशाखा के कंधे पर रख देती हैं। ललिता की ओर देखती हुई फिर रानी कहती हैं, मेरी प्यारी ललिते एक बार हंस दे, तू रो मत बहन, नहीं तो फिर मैं तुझे रोती देखकर मूर्छित सी होने लग जाऊंगी,
सचमान मेरे प्यारे श्याम सुंदर को यदि बहन चंद्राब्दी से सुख मिलता है तो मैं चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, हे विधाता, जितनी देर मेरे प्यारे श्याम सुंदर बहन चंद्रावली के कुंज में रहे उतनी देर तक उनके हृदय में मेरी स्मृति को ढक देना। मैं उन्हें स्मरण ही नहीं आऊँ, नहीं तो उनके सुख में विघ्न होगा। मेरी याद आते ही वे विकल हो जाएंगे, मेरे पास आना चाहेंगे। ललिता, देख लें, हृदय के अंतस्तर में जाकर देख लें, मैं सच कह रही हूँ या झूठ। बहन, सचमुच मुझे कोई दुख नहीं है, तू रो मत बहन। Your child needs these three key factors to get into an Ivy League or top 25 university. ललिता कुछ शांत सी होने लगती है। इसी समय विशाखा कहती है, बहन एक बात पूछना चाहती हूँ, बताएगी? राधा रानी, हाँ अवश्य बताऊंगी, कुछ न छिपाते हुए आज जो जो पूछोगी वही बता दूंगी। विशाखा, अच्छा बहन, मान ले श्याम सुंदर तुम्हारे पास आना पूर्णतः बंद कर दे तथा चंद्रावली के कुंज में ही जाने लग जाए, वे तुम्हें किसी दिन बुलावे, वहाँ तुम्हारे सामने की चंद्रावली के गले में बाहर डाले हुए कहें कि प्रिय मैं थोड़ी देर में आया, फिर चंद्रावली के साथ उसके कुंज में चले जाएं, तो क्या उस समय तू धैर्य रख सकेगी? राधा रानी कुछ गंभीर सी होकर कहती है, हाँ बहन अवश्य धैर्य रख सकूंगी। विशाखा, तुम्हें दुख नहीं होगा? राधा रानी, सर्वथा नहीं। विशाखा की आंखों में आंसू भर आते हैं। रानी कुछ मुस्कुराती हुई सी कहती है, सच बहन दुख सर्वथा नहीं होगा, अपितु आनंदातिरेक के कारण मूर्छित होकर मैं कहीं गिर न पड़ूं। विशाखा आश्चर्य भरी दृष्टि से रानी की ओर देखती है। रानी फिर कहने लगती है, विशाखे मैं प्यारे श्याम सुंदर को देखकर आनंद से पगली सी होने लग जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि न मेरे अंदर रूप है न यौवन, कुछ भी तो नहीं है, पर फिर भी श्याम सुंदर मुझे सबसे अधिक प्यार क्यों करते हैं? मैं तुम्हें देखती हूँ, सोचती हूँ विशाखा मेरी अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर है, आज मैं इसे ही अपने हाथों से सजाऊंगी, तुम्हें सजाकर प्यारे श्याम सुंदर के चरणों में बिठाकर देखूंगी कि उन्हें कितना अधिक सुख मिलता है। फिर ललिता को देखती हूँ, चित्रा को देखती हूँ, जिस जिस को देखती हूँ उसी को देखकर मन में यही आता है कि इससे मेरे प्यारे श्याम सुंदर को बहुत सुख मिलेगा, मैं इसे सजाऊंगी। कई बार ऐसा कर भी चुकी हूँ। ठीक इसी प्रकार बहन चंद्रावली को देखकर मन में आता है कि प्यारे श्याम सुंदर को इससे अधिक सुख मिलेगा। अतः तुम्हारी कल्पना के अनुसार यदि वे वैसा कभी करें तो मुझे दुख नहीं होगा। बहन, उनका हृदय प्रेम का असीम सागर है, जिस समय वे मुझे हृदय से लगाते हैं उस समय वह सागर उफन पड़ता है, मैं उसमें डूब जाती हूँ। डूब कर देखती हूँ बहन, वहाँ अड़ू अड़ू में मैं बैठी हूँ, मैं ही मैं हूँ, केवल बस एकमात्र मैं ही। रानी यह कहते कहते प्रेम में अधीर होने लग जाती है। विशाखा एवं ललिता रानी के पास आकर उन्हें संभालने लगती हैं। रानी कुछ मूर्छित सी हो जाती है। रानी का सिर ललिता अपनी गोद में रखकर उन्हें निटाल देती हैं। कुछ देर मूर्छित रहकर बाह्य ज्ञानहीन दशा में ही रानी धीरे धीरे बोलने लगती हैं, मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे हृदय धन, मेरे हृदय को देखो, तुम्हारी दासी राधा आज कितनी प्रसन्न है। तुम बहन चंद्रावली के कुंज में गए हो, हाँ आज मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा पूर्ण हो गई। हाँ हाँ मेरे प्राणनाथ, संकोच मत करो, मैं तो तुम्हारी कृत दासी हूँ ना, मेरे हृदयेश्वर, मेरे सामने ही बहन शैव्या बहन चंद्रावली के गले में बाहर डाले हुए मेरे इस उपवन के पुष्पों की शोभा निहारो। राधा तुम्हारी यह दासी इसे देखकर आनंद में विभोर हो जाएगी, सच मेरे प्राणनाथ मेरे सुख की सीमा नहीं रहेगी। A career in cybersecurity is definitely possible. When I came here to ECPI, they've pretty. मेरे प्रियतम, एक बार नहीं, यदि अगणित बार बहन चंद्रावली के समक्ष तुम मुझे हृदय से लगाओ,
उस समय मुझे जितना सुख मिलेगा ठीक उतना ही सुख, नहीं नहीं उससे भी अनंत गुना सुख मुझे आज बहन चंद्रावली के साथ तुम्हें इस निकुंज में देखकर मिलेगा। राधा रानी कुछ रुक जाती हैं, धीरे धीरे बड़बड़ करने लगती हैं। ललिता रानी के मुंह के पास कान ले जाकर सुनती हैं कि क्या कह रही हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता। ललिता एवं विशाखा दोनों के मुख पर आश्चर्य छाया हुआ है। रानी फिर बोलने लगती हैं, बहन सच बतलाती हूँ, मेरे प्यारे श्याम सुंदर को मैं देखती हूँ, नित्य देखती हूँ, पर नित्य यह अनुभव करती हूँ कि आज तो ये और भी सुंदर हो गए हैं। एक क्षण पहले जिसे देखती थी वही सौंदर्य पूर्णतः नवीन होकर दिखने लग जाता है। बहन जहाँ जहाँ दृष्टि डालती हूँ वहीं आँखें चिपट जाती हैं, वहाँ से आँखें हटना नहीं चाहती। देखते देखते जब मैं मूर्छित सी होने लग जाती हूँ उसी समय वे हंस देते हैं और कहते हैं कि प्रिय क्या देखती हो? मेरी प्रियतमे मैं सुंदर नहीं हूँ, सुंदर तुम्हारी आँखें हैं। यह सुनते ही बहन मैं लजा जाती हूँ, उस समय भी मेरी ठोड़ी को आकर छू देते हैं तथा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रिय तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हारी रूप सुधा का पान करूँगा। बहन उस समय मैं विवल हो जाती हूँ, उस समय कई बार मन में यह आता है कि ठीक जिस प्रकार मेरे श्याम सुंदर मेरा मुख देखकर सुख पाते हैं उसी प्रकार किसी दिन बहन चंद्रावली के मुखारविंद को निहार निहार कर ये सुख पाएं, मैं दूर पर खड़ी खड़ी प्यारे श्याम सुंदर के मुख की मुस्कान देखूंगी और आनंद में विभोर हो जाऊंगी। सच सच हृदय की बात कहती हूँ। बहन तू रो रही है, मेरे स्नेह के कारण रो रही है, तू सोचती है कि मेरी प्यारी राधा के हृदय को कष्ट पहुँचाकर श्याम सुंदर बहन चंद्रावली के कुंज में क्यों गए? पर बहन मुझे सर्वथा दुख नहीं है, विश्वास कर विशाखा श्याम सुंदर की किसी बात से भी उनकी किसी चेष्टा से भी मुझे दुख नहीं होता, अपितु प्रतिक्षण मैं नए आनंद में डूब जाती हूँ। बहन उनका हृदय इतना कोमल है, इतना सरस है कि वे चाहने पर भी मुझे दुख पहुँचा ही नहीं सकेंगे, यह असंभव है। राधा रानी फिर चुप हो जाती है तथा थोड़ी देर चुप रहकर कहती हैं, अच्छा मान लेती हूँ कि थोड़ी देर के लिए तेरी बात ही ठीक हो जाए, श्याम सुंदर मुझे चिढ़ाने लग जाएं, मुझे दुख देने लग जाएं, तो इससे क्या हुआ? बहन मैं तो उनकी क्रीत दासी हूँ, वे जैसे चाहें मुझे रख सकते हैं। हाँ बहन मुझे उनके सुख में ही सुख है, यदि वे मुझे दुख पहुँचाकर मुझे चिढ़ाकर आनंद पा सकें तो बहन मैं चाहती हूँ कि अनंत काल तक वे मुझे चिढ़ाते रहें, अनंत काल तक वे मुझे दुख पहुँचाते रहें, इससे बढ़कर और सुख मेरे लिए होगा नहीं। राधा रानी अब बावली सी होकर उठ बैठती हैं तथा विशाखा का गला पकड़कर रोने लग जाती हैं। विशाखा की आंखों से भी पुनः आंसू बहने लगते हैं, वे हतमत सी होकर सोचने लगती हैं कि मैं अपनी प्यारी सखी को कैसे शांत करूं। इसी बीच राधा रानी फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं तथा मूर्छित से होकर भूमि पर गिरने लगती हैं। ललिता ठीक पहले की बात ही उन्हें गोद में उठा लेती हैं। रानी कुछ देर चुप रहती हैं, फिर कुछ मुस्कुराकर कहती हैं, प्यारी विशाखा तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा देख एक बात मैंने तुम दोनों से छिपा रखी थी आज बतला देती हूँ, उसे केवल मैं चित्रा और रूप जानती हैं। मैंने रूप को सौगंध दिला दी थी कि ललिता विशाखा से यह बात अभी मत कहना। बहन 3 दिन पहले की बात है, मैं सूर्य मंदिर में बैठी थी, तुम सब श्याम सुंदर की टोह में बाहर गई थी, केवल रूप मेरे पास थी, उसी समय मेरे प्यारे श्याम सुंदर आए, उनका मुख कुछ सूखा सा था, मैं व्याकुल हो उठी कि प्यारे श्याम सुंदर का मुख म्लान क्यों है, वहाँ कोई नहीं था, दौड़ी हुई उनके पास जा पहुँची, अंचल से मुख पहुँच कर बोली, प्यारे तुम्हारा मुख कुछ गंभीर क्यों है? प्यारे श्याम सुंदर ने बाट डालनी चाहिए पर मैं गले पड़ गई, उनके गले में बाहर डालकर बैठ गई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मैं बोली क्या नहीं बताओगे? प्यारे श्याम सुंदर पीताम्बर से मेरे आंसू पूछ कर मुझे अपनी गोद में लिटाकर बोले, प्रिय मैं सचमुच ही बहुत घृणा के योग्य हूँ, तेरे प्यार के योग्य नहीं, मुझे क्षमा करो, मैं सत्य बात बताकर तेरे हृदय को दुखाना नहीं चाहता। बहन
मेरी प्यारी विशाखा, मेरा हृदय फटने लग गया। बहुत देर तक उनकी गोद में सिर रखकर रोती रही, फिर बोली, नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा तो मुझे बताओ। फिर बहन, प्यारे श्याम सुंदर ने बताया, प्रिय अभी अभी मैं तेरे पास आ रहा था, पता नहीं कौन है, एक 16 वर्षीय किशोरी मुझे वन में मिली। प्रिय, मेरी आंखें उसकी ओर बरबस चली गईं। मैंने पूछा कि अरे ग्वालिन, तू किसकी पुत्री है और कहाँ रहती है? इस पर प्रिय उसने इतनी रुखाई से मुझे फटकारा कि मैं तो झिझक गया। Book your first cleaning today for only $19. I felt like I